नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं निशांत ज्ञान आपके सपनों के साथ है। निशांत ज्ञान आपकी हर एक कठिनाई में हमेशा आपकी कठिनाई को सॉल्व करने के लिए लगातार निशांत ज्ञान अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करता है। मेरी कोशिश है कि आप सभी लोग अपने अपने आपका जो भी मुकाम है वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयासरत रहिए, और पूरी जिंदगी ही आशावादी जिंदगी होती है, पूरा जीवन जो है आशा पर ही निर्भर करता है। तो आपके साथ निशांत ज्ञान एक आशा के तौर पे तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिविटी बना लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। देखिए, आप लोगों का सबसे ज्यादा जो कमेंट आया, भैया हमारे पास समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, वर्तमान की परिस्थिति में बीएड या बीटीसी वही बच्चा करता है जिसके सामने थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ये हम समझते हैं। अर्थात मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा ज्यादातर बीएड और बीटीसी करते हैं, उनके सामने एक समस्या ये आती है कि अगर उनका वजीफा आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो मतलब कि इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इकोनॉमिकली उनका जो सिस्टम गड़बड़ाया रहता है, हम जानते हैं ना, 41,000 फीस डीएलएड वाले दिए हैं, 52,000 फीस जो है बीएड वाले दिए हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो 52,000 फीस की जुगाड़ किस तरीके से किया है मुझे अच्छे तरीके से पता है। कहीं कहीं से किसी तरीके से जुगाड़ करके आपके माता पिता आपका एडमिशन करवाए हैं। तो आपका स्कॉलरशिप अगर नहीं आया है तो स्कॉलरशिप की अपडेट कैसे है? मित्रों, स्कॉलरशिप में संशोधन करने की डेट आई है। आप सभी लोग, मुझे जानकारी मिली है, देखिए मैं साइबर के बारे में जानकारी उतनी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक साइबर कैफे वाले ने हमें जानकारी दिया, भैया आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए जिससे आप से जुड़ने वाले हर एक छात्र लाभान्वित हो जाएं। संशोधन की डेट आई हुई है। अगर आपने सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करवाइए, स्टेटस में अगर आपका आधार कार्ड इनवैलिड बता रहा है जाकर के आधार कार्ड अपने अकाउंट में वेरीफाई करवा लीजिए। चलिए धीरे धीरे एक एक बात करते हैं मित्रों, कैसे क्या होगा, ठीक है। छात्रवृत्ति की अपडेट यही है कि आपके कॉलेज में लिस्ट आ गई थी। लिस्ट आई थी किसकी किसकी छात्रवृत्ति आने वाली है, किसका रिजेक्ट हुआ है। कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है, कई कारण है उसके रिजेक्शन के, तो रिजेक्शन के कारण भी बताए गए हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का कारण ये है कि उनका जो है 50% से कम रहा। यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेजुएशन में कुछ लोगों का 50% से कम होने पर उसका उनका जो है स्कॉलरशिप नहीं आया है, और निश्चित रूप से अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% कम है तो शायद आपकी स्कॉलरशिप ना आए, ठीक है। अगर आपके 50% से कम है तो स्कॉलरशिप शायद ना आए, ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना पहले भी हुई थी, ठीक है। तो 50% से कम वाले पर उनका तो रिजेक्शन हो गया है, उनके उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक है। जिनका स्टेटस नहीं दिख रहा है वो क्या करें, ठीक है। आपका अगर स्टेटस नहीं दिख रहा है तो आप अपना बैंक अकाउंट चेक करवाइए। अगर आपके पास, ध्यान रखिएगा, स्टेटस कैसे चेक किया जाएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया आप ही बता दीजिए कि मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक करेंगे। आप यूट्यूब पर सर्च मारो कि मतलब कि अपना बैंक अकाउंट या वजीफा छात्रवृत्ति वाला स्टेटस कैसे चेक करें। यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज बनी हुई हैं। मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल आप अपडेट हो जाएं, और जिस तरीके से आप मेरी शब्दों में सुनना चाहते हैं वहां से आप अपडेट हो जाए ना। तो आप स्टेटस कैसे देखते हैं, आप यूट्यूब से सर्च करके देख लीजिए, आपका स्टेटस दिखाई देगा। जैसे जिस तरीके का आपका स्टेटस दिखाई देता है वहां पे बताएगा कि आपका जो है कई कई स्टेटस में बता रहा है कि आपका जो है आधार कार्ड नहीं लिंक हुआ है, तो आप अपने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए। अगर आधार कार्ड लिंक है तो एक बार जाकर के अपने अकाउंट का केवाईसी करवा लीजिए, नो योर कस्टमर। एक होता है आप 4-5 सालों से अपना अकाउंट का प्रयोग नहीं किए हैं, तो जो बैंक होता है वह अपने ग्राहक को जानने के लिए नो योर कस्टमर के नाम से केवाईसी करवाती है। केवाईसी का फुल फॉर्म ही होता है नो योर कस्टमर, आप वो करवा लीजिए। अगर इस पर भी इसको करवाने के बाद क्या कुछ प्रारूप ले जाकर के विद्यालय में जमा करना होगा, नहीं, इसको आप करवा लीजिए। अच्छा, इसको करवाने के बाद आप घर चले आइए, उसके बाद आपका मतलब कि पैसा आ जाएगा। अब कुछ लोगों ने कहा भैया हमने जो है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलेज में लिस्ट आई है, तो आप लिस्ट चेक कर लीजिए आपका क्या 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 हुआ है, स्टेटस के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करा लीजिए, मैंने इसकी बात कर दी। आगे बात करते हैं आपके पास दो बैंक अकाउंट है तो क्या करें। मित्रों मैं बताता हूँ, आपके पास अगर दो बैंक अकाउंट है, आपने दोनों बैंक अकाउंटों में जो है आधार कार्ड लिंक करवाया था, ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपने दोनों बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कराया था, तो आपने जिस अकाउंट को वहाँ पे मतलब कि प्लेटफॉर्म वहाँ पे दिया है छात्रवृत्ति के फॉर्म में, जिस अकाउंट को आपने दिया है, जरूरी नहीं है कि आपका जो पैसा है उसी अकाउंट में आ जाए, वह दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है। और अमूमन जो ये पैसे आ रहे हैं छात्रवृत्ति वाला, अधिकांश पैसे जीरो बैलेंस के खाते पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है आपने उसे दिया है, तो आप सेविंग अकाउंट को अभी लगातार चेक कर रहे होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपके सेविंग अकाउंट में ही वो पैसा आए। इसके पहले आपने कभी जीरो बैलेंस का अगर खाता खुलाया होगा तो वहां पर वो पैसा जा सकता है, आप उस जीरो बैलेंस वाले खाते को भी चेक करवा लीजिए, ठीक है। तो
जरूरी नहीं है कि आपका, देखिए आधार कार्ड से पूरा सिस्टम चल रहा है, आधार कार्ड आपके हर बैंक में लग रहा है, आधार कार्ड नंबर डालिए आपका पूरा पूरा दिखा दे रहा है। तो आप दोनों बैंक अकाउंट चेक करवा लिए, जो आप 10 साल से कभी यूज ही नहीं किए लेकिन आधार कार्ड उसमें लिंक करवाए हैं कभी न कभी, तो आप उसमें चेक कर लीजिए। हमारे साथ के कई बच्चों, मतलब कि हमारे हमसे जुड़ने वाले कई लोगों का कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे हमें छात्रवृत्ति मिली, जहाँ पे हमने अकाउंट डाला था वहाँ मिला ही नहीं, दूसरे अकाउंट में चला गया। तो ऐसा हो सकता है, काफ़ी लोगों को हुआ भी है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं संशोधन की डेट कब से कब तक है, तो आप देख लीजिएगा संशोधन की डेट शायद 21 तारीख तक है, 11 से 21 तारीख तक आप देख लीजिएगा। आप किसी साइबर जानकार से इसकी, मतलब कि जो भी आपका फॉर्म वॉर्म भरते हैं साइबर जानकार होते हैं, वो करते हैं अपना काम, तो उनसे आप संपर्क करिएगा, है ना, तो वो जो है आपका संशोधन कर देंगे। और संशोधन करा करके आपको जो है कॉलेज में प्रारूप ले जा करके जमा कर देना है। एक बार फिर आप जो संशोधन कराएंगे, संशोधन के बाद पूरी लिस्ट, आप जितने भी कागज आपके होंगे उस कागज को ले जा करके कॉलेज में जरूर जमा करिएगा। एक बच्चे ने कहा भैया हमने ऑनलाइन तो कराया था लेकिन कॉलेज में ले जा करके मैंने फॉर्म नहीं जमा किया था। तो जब कॉलेज में ले जा करके आपने फॉर्म ही नहीं जमा किया था, कॉलेज वाले समाज कल्याण विभाग के पास भेजे ही नहीं होंगे, आपका डाटा ही नहीं फॉरवर्ड हुआ होगा, तो आपका पैसा कैसे आएगा। तो निश्चित रूप से आप अगर संशोधन करवाते हैं तो संशोधन करवाने के बाद आप अपने डाटा को, अपने प्रारूप को ले जा करके कॉलेज में जरूर जमा करिएगा। कॉलेज वाले ही आपका डाटा ट्रांसफर करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं समाज कल्याण विभाग को, और जो आपकी छात्रवृत्ति आती है समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही भेजी जाती है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि भैया हमारा जो स्टेटस दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि अंडर योर, मतलब कि जिला में जो है, जिला कमेटी के अंदर में आपका प्रोसेसिंग चल रहा है, इसका क्या मतलब है। मित्रों इसका मतलब यही है कि अगर जिला अंडर डिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग मैटर कमेटी प्रोसेसिंग मैटर दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी छात्रवृत्ति बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपकी छात्रवृत्ति 2-4-6-10 दिन में आ जाएगी। अगर आपने कोई गलती किया है तो स्टेटस में वह भी दिखा रहा है, आपने यह गलती किया है तो आप उसे सुधार कर लीजिए, एक बार मौका आपको दिया गया है। आगे बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपना अपना छात्रवृत्ति वाला मैटर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं निशांत ज्ञान आपके साथ किस तरीके से, हम कैसे आपके साथ आपका सहयोग कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं निशांत ज्ञान की तरफ से लगातार आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लगातार निशांत ज्ञान से जुड़े हुए होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपको क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वह क्लासेज आपको जो है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट को टारगेट करते हुए पढ़ाई जा रही हैं। मित्रों कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप यूपी डीएलएड का कोर्स चला रहे थे तो यूपी डीएलएड का कोर्स क्यों बंद कर दिए। मित्रों मैं बताऊं तो यूपी डीएलएड में जितना मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां यहां से चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसे मैंने आपको पढ़ाया। जैसे मैथ बहुत ज्यादा बच्चों का वीक होता है तो पूरा का पूरा यूपी डीएलएड का मैथ मैंने प्रथम सेमेस्टर का समाप्त कर दिया। उसके बाद संस्कृत के कुछ वीडियो मैंने दिया, संस्कृत आपको कठिन लगती है तो संस्कृत के वीडियोज मैंने दिया, हिंदी के कुछ वीडियोज क्या, हिंदी के पूरे व्याकरणिक पोर्शन को मैंने समाप्त किया। वो डीएलएड को भी टारगेटेड है, हालांकि वो यूपी टेट को भी टारगेटेड है। आगे बात करते हैं आपका जो मनोविज्ञान वाला सिलेबस है, मनोविज्ञान में तो काफी वीडियो मैंने आपको दे दिया है, बहुत ज्यादा वीडियो मैंने मनोविज्ञान पे आपको दिया है, तो आप देखते रहिए निशांत ज्ञान और जुड़े रहिए निशांत ज्ञान के साथ, ठीक है। अगर आप निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके डेली के डेली वीडियोज को इत्मीनान से, प्रतिबद्धता से, तन्मयता से देखते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं निश्चित रूप से आप आने वाले समय में जब आप यूपी टेट में पहली बार बैठेंगे तो आप वहां पे स्कोर 120 के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। लगातार सबसे बड़ी बात ये होती है पॉजिटिविटी। अगर आप हमसे जुड़े हुए होंगे तो आपके दिल में एक बात आप जरूर आप कह सकते हैं, दिल खोल करके, दिल पे हाथ रख करके, आपने मतलब कि अंतरात्मा से आपकी आवाज़ें निकलेगी, कहीं ना कहीं निशांत ज्ञान से जुड़ने के बाद कुछ बदलाव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारे दिमाग में जो पॉजिटिविटी एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होता है, उसका प्रवाह बहुत तेज़ी से चल रहा है, और यही सकारात्मक ऊर्जा ही आपको यूपीएससी भी क्रैक कराती है, और यही सकारात्मक ऊर्जा रही तो आप धरती पलट भी सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आपने सकारात्मक ऊर्जा को अपना मंत्र बना लिया। मंत्र कोई और नहीं है, ना ही हमारे पढ़ाने से आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, ना ही आप खुद के पढ़ने से बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे। आप विद्वान बनेंगे आप अपने सकारात्मक परिवर्तन से बनेंगे, आप अपने सकारात्मक एनर्जी से बनेंगे। तो छात्रवृत्ति वाला स्टेटस स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा, जैसे भी हो कोई भी समस्या हो आप साइबर जानकार जो भी होगा उससे संपर्क करिए। संशोधन की प्रक्रिया शायद चल रही है, हमसे किसी ने बताया इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, और लगातार उसे करा करके वहाँ पे दे दीजिए। और मैं मनोविज्ञान के काफ़ी चैप्टर आपको पढ़ाया हूँ, आप लगातार निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करिए। और इसी के साथ मैं फिर से बोलूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जब ही बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, आपको मायूस नहीं होना है। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपसे पहले, आपकी एज का है तो आपसे पहले नौकरी पा जाते हैं, या आपसे बड़े हैं आपसे पहले नौकरी पा जाते हैं, तो एक कसक तो होती ही है लोगों के अंदर कि यार हमारे साथ पढ़ने वाला बच्चा नौकरी पा गया। ईर्ष्या नहीं है, ये
तमाम प्रतियोगी छात्रों के अंदर एक कशक होती है, हुक सी उठती है, मैं इसे अच्छे से समझता हूँ। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति होते हैं बराक ओबामा साहब, वो 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते हैं जो 70 साल की एज में शुरुआत करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा अपने अपने नियत समय पर चमकेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। न ही सूर्य रात को चमक सकता है, न ही चंद्रमा दिन में चमक सकती है, दोनों का अलग अलग वजूद है। शायद आप किसी दूसरे के लिए बने हों, इस बात को भी आप मानिएगा, क्योंकि आप इस धरती पर यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, आपका कोई विकल्प नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके जाने के बाद कोई विकल्प आपका नहीं होता है, सिंगल पीस आपकी तरह भगवान ने यहाँ पे बना के भेजा है। तो आप अपने आप को ऐसा प्रयोग कर दीजिए कि आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।